मक्खन हुआ है, फोनी हुआ है, जोश हुआ है, इसमें हमको बहुत रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से पड़ा है। इसको बारे में हम लोगों ने बात किया है और सारे बहुत सारे स्कीम है, जैसा 96,655 करोड़ का माफी रुपया हमको मिलेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, और रुपया थोड़ा देने के लिए हमने बोला कि अगर स्टेट कैसे चलेंगे, अगर सेंटर का जो रुपया देना था और रुपया अगर रुक दिया गया तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम देख लेता है परिस्थिति क्या है, परिस्थिति देख के बताएंगे। दूसरी बात यह है, हम बीएसएफ का बारे में चर्चा किया, मैंने ये बात जरूर किया कि हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर को जबरदस्ती करना नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का बात है, और इसी के लिए वो बीएसएफ को ज्यादा पावर देने से, ऐसे बीएसएफ हमारे एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है, आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। कि आपने देखा बीएसएफ हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया, तीन चार दिन पहले भी गोली में तीन गरीब जनता को मौत हुआ, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में, इसका पहले भी बहुत सारे मौत हुआ, कभी दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी कुछ बिहार में, कभी मालदा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी उत्तर चौबीस परगना में, बहुत बॉर्डर में मौत हुआ। तो इसी के लिए हमने कहा कि अगर आपको बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो, अगर स्टेट से ज्यादा मदद आपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ को जो आप जो कानून बनाया वो कानून को आप विथड्रॉ करिए, इसमें हम बात किया। तीसरी बात यह है, हम कोविड के बारे में चर्चा किया कि 12 से 18 साल तक उसका बारे में अभी तक पॉलिसी डिसीजन कोई नहीं है, अगर पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा तो हम एक काम भी कर सकता है, हमारा और भी डोज चाहिए, जो है एक जिसको दे दिया, दो नंबर हम दे रहा है, हम ऐसे 8.5 करोड़ का ज्यादा हमको दिया हो गया है और जो बाकी है वो हम देते हैं, लेकिन 12 से 18 साल तक इसको लिए क्या पॉलिसी है कि स्कूल भी अभी खुल गया तो स्कूल कॉलेज खुल गया तो इसका बारे में अब देखिए एक्सपर्ट्स कमिटी क्या कहते हैं। तो प्लीज सेंड आवर कोविड दिस वैक्सीनेशन सो देयर शुड नॉट बी एनी गैप, इसको बारे में भी हम चर्चा किया। और एक चर्चा किया है हम जूट इंडस्ट्री का बारे में, बंगाल में 82% जूट ग्रोअर्स है, जूट प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, हमारा बहुत जूट इंडस्ट्री है, लेकिन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका एक कैप दिया है, वो कैप देने के बाद फार्मर्स लोग जूट बेच नहीं सकते हैं, और इसी में क्या होता है जो होल्डर है वो जूट को होल्डिंग करके रख के इंडस्ट्री चलाते नहीं है और इंडस्ट्री बंद हो जाता है और इसमें जूट वर्कर अभी बहुत दुख में है। तो इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम तो 100% फेवर में हूँ जूट का, जो हमारा ऑल्सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी यही परसेप्शन है कि हम 100% वी आर इन फेवर ऑफ जूट प्रोटेक्शन एंड जूट यूटिलाइजेशन। तो इसी के लिए हमने बोला कि आप जूट कमिश्नर को थोड़ा बोलिए कि इसको नेग्लेक्ट न करके, और जो कैप बनाया जिसमें चासी लोग किसान लोग खरीद नहीं सकते हैं और उसको माल होल्डिंग हो जाता है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है, तो इसका बारे में जूट कमिश्नर को बोलने के लिए उन्होंने भी मेरे को कहा कि आप लोग भी एक राउंड टेबल मीटिंग कर लीजिए सबको बुला के। हम बोला हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी मीटिंग किया है और द स्टेक होल्डर्स का साथ, और भी आप बोलते हैं तो हम जरूर बोलेंगे।
और एक बात मैंने कहा, देखिए देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिटिकली आपका साथ हम लोग को जो भी डिफरेंस है पॉलिटिकली डिफरेंसेस रहेगा ही, पॉलिटिकली डिफरेंस आपका पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, हमारा पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट सेंट्रल का रिलेशन इसमें कोई असर पड़े। तो इसी के लिए स्टेट का डेवलपमेंट होने से सेंट्रल का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने हमारा जो BGBS होगा 20-21 अप्रैल में कलकत्ता में, और BGBS कॉन्फ्रेंस में हम प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है टू इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस, इसी के लिए कि अभी इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब है। दूसरी बात यह है कोविड का सिचुएशन में इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब है। तीसरी बात है बहुत सारे देश आएगा कि नहीं आएगा सोचेंगे, लेकिन अगर स्टेट सेंट्रल मिलके इंडस्ट्रीज माय डेस्टिनेशन, अगर हॉट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट का एक साथ में मिलके कॉन्फ्रेंस कर सकता है, हम खाली बंगाल में नहीं और सारे राज्यों को भी कर सकता है। तो हम तो BGBS 2 साल नहीं कर पाया कोविड के लिए, इस साल में हम PM को इनवाइट किया है कि आप आइए इसको इनॉग्रेट करिए, हम लोग सब रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा BGBS कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के लिए एक दिशा हो, एक भविष्य के लिए बेरोजगार जो है इंडस्ट्री तैयार करने के लिए जो तैयार है उसको लिए एक रास्ता खुल जाए। कब है सम्मेलन? 20 अप्रैल 21 अप्रैल PM ने एक्सेप्ट किया है इन्विटेशन। BSF लेके उन्होंने सुना कोई चर्चा, हमने जो बोला हमारा बात हम बोला। अरे भाई क्या है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी इज ए सीनियर पर्सन इज ए BJP MP, अगर उन्होंने हमारे साथ भेंट करने के लिए अगर उन्होंने आग्रह प्रकाश करते हैं तो मीट करना क्या खराब होता है? यू कैन मीट एनीबॉडी इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू मीट यू, व्हाट इज द हार्म? पॉलिटिकल डिफरेंसेस मे बी, बट देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देयर, यू फॉरगेट द पॉलिटिक्स, वी मीट ईच अदर, दैट इज आवर डेमोक्रेसी। एक एक करो देखो हम सुनते नहीं पा रहे। सोनिया गांधी और मुलाकात होगी, आप पिछले 2 दिनों में आपकी सोनिया गांधी दलों के नेताओं से मिली है, कई लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या इसको BMC के एक्सपेंशन के तौर पर देखा जाए बाकी राज्यों में? नहीं है, देखिए अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, उसको अपना का बात है, हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई आदमी उसका अपना सिद्धांत है कि हम तृणमूल कांग्रेस में जाए, तृणमूल कांग्रेस अच्छा लड़ाई करते हैं देश के लिए, तो ये तो ठीक है। दीदी आप इस बार नाम चेंज होले अपना टाका देबो ना कि बंगाल मारा बोलती तो होचे ना कि नाम नामेर उपर की नाम आमी जानी ना कि व्यापार सेंटर একটা বলেছে যে নাম চেঞ্জ হয়ে মাইলেজ জুড়ে একটা স্কিম আছে তার নাম যদি স্টেট চেঞ্জ করে দেয় এরকম অনেক স্কিম আছে একটা কেন বলছেন দেয়ার আর সো মেনি স্কিমস যেটা ও সেন্ট্রাল বলে যে আমরা নাম দেবো এবং আমার নাম না নিলে তোমায় আমি টাকা দেবো না এটা একটা না হাজারটা এই জন্যই তো বললাম যে ফেডারেল প্লিজ দাঁড়ান প্লিজ অ্যালাউ মি টু কমপ্লিট মাই স্পিচ ফার্স্ট সেই জন্যই বললাম যে পলিটিক্যাল রিলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেশন ইজ ডিফারেন্ট ডেভেলপমেন্ট রিলেশনে স্টেটগুলোকে স্ট্রং করা উচিত স্টেটগুলোর পাশে থাকা উচিত স্টেটগুলোর সাথে থাকা উচিত এবং আমি শুধু আমার কথা বলছি না আমি সকলের কথা বলছি।